बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या कनाबदु या कनस्ताइन, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब कैरियर से होंगे। कोरोना अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कोरोना लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक WHO ने कोरोना वायरस के फैलाव के लिए नए फेज के लिए खबरदार कर दिया। क्या पाकिस्तान महफूज है? जानने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहे। कोरोना वायरस की नई अपडेट के मुताबिक जो नई अपडेट आई है वो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। WHO ने कोरोना वायरस के फैलाव के लिए नए फेज के लिए खबरदार कर दिया। WHO ने कोरोना वायरस की वबा की नई लहर के हवाले से दुनिया को खबरदार कर दिया। आलमी अदारा सेहत के मुताबिक वबा की नौयत अब तब्दील हो रही है। WHO के माहिरीन के मुताबिक वायरस को फैलने से रोकने के लिए हमें अपनी कोशिशों को मजीद बढ़ाना होगा। एशिया पैसिफिक के ममालिक में अब 20-30-40 साल के अफराद को कोरोना वायरस के फैलाव की वजह और शिकार बने हैं, जिनकी वजह मालूम ही नहीं हो रही कि वो इस वायरस से मुतासर भी हो चुके हैं। मगरबी पैसिफिक रीजन के डायरेक्टर तिकाशी कासी ने खबरदार करते हुए ब्रीफिंग के दौरान बताया कि कोरोना का वबा का चैलेंज अभी बाकी है। अब मुतासर होने वाले वो अफराद जिनमें बेशतर में कोरोना वायरस की वबा की बहुत कमी या कोई भी अलामत मौजूद नहीं। तिकाशी कासी ने ब्रीफिंग के दौरान ये खदशा जाहिर किया कि ये अफराद उधेड़ उम्र कम कुत मुदाफत रखने वाले लोगों को ज़्यादा मुतासर करेगा। कुछ ममालिक जहाँ किसी आधा कोरोना के काबू पर काबू पा लिया गया था, जिसके जैसा कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, वियतनाम और जनूबी कोरिया, अब वहाँ पर नए केसेस की बड़ी तादाद सामने आ रही है और कई शहरों में दोबारा सा लॉकडाउन का भी नफाज किया जा रहा है, जैसा कि कल पेशावर में पाकिस्तान में हुआ। WHO के माहरीन ने यह भी बताया कि जापान की 2/3 कोरोना केसेस के 40 साल से कम उम्र अफराद के लिए ऑस्ट्रेलिया फिलिपाइन में सामने आने वाले केसेस में भी निस्फ से ज़्यादा तादाद ऐसी उम्र के ही अफराद शामिल हैं। कोरोना वायरस के दूसरी बड़ी अपडेट जो कि पाकिस्तान की पाकिस्तान से आई है, जो कि एक हौसला अफजार अपडेट आई है, वो ज़रा सुनिएगा। हर 10वां पाकिस्तानी कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने में कामयाब। मास्क के इस्तेमाल और मुतवातर हाथ धोने के सबब मुल्क में 11% लोगों में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा हुए हैं। हेल्थ सर्वेस एकेडमी की जानब से रवा बरस जुलाई में शुरू की गई नेशनल सर्विसेज स्टडी के नतज के मुताबिक मुल्क में हर 10वां पाकिस्तानी कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज की सलाहियत कायम करने में कामयाब हुआ है। वजारत सेहत के मुताबिक स्टडी का इनकाद आलमी इदारा सेहत और AKQ के बामी इतिहाद से किया गया है। स्टडी में अवाम में कोरोना वायरस के खिलाफ कायम एंटीबॉडी की शरह को जांचा गया है। जारी लामिया के मुताबिक एंटीबॉडीज की शरह नौजवानों में ज़्यादा जबकि बच्चों और बूढ़ों में कम रही है। कोरोना वायरस की मुमकिन दूसरी लहर में बूढ़े अफराद इस रिस्क पर शिकार हो सकते हैं और नतज के मुताबिक, और ये क्योंकि पाकिस्तान में लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को सीरियस लिया था, तो अभी जो पाकिस्तान में कोरोना के जो एक्टिव केसेस हैं वो 11,000+ हैं। पाकिस्तान में जो नतज हैं वो हौसला अफजा हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो इमरान खान साहब जिस तरह काफ़ी ज़्यादा पुरमान नज़र आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जो सही रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस से महफूज है। लेकिन WHO ने बड़ी वार्निंग जारी की है कि दूसरा फेस आ सकता है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से बचाए। उम्मीद करता हूँ ये एक क्विक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और नेक्स्ट कोरोना अपडेट जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान खुश।